दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आप WhatsApp पे ऑनलाइन रहें और किसी को पता भी नहीं चले कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और सबसे आसान तरीके से आपको बताने का कोशिश किया हूँ कि आप कैसे एक सेटिंग के थ्रू आप ऑनलाइन रहेंगे फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। ऑनलाइन होते हुए भी ऑनलाइन ना दिखने के लिए सिंपली हमें WhatsApp पे चले जाना है। WhatsApp पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सिंपली हमें यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट पे प्रेस करना है। प्रेस करते ही हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो सिंपली हमें सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सिंपली हमें यहाँ अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो सिंपली हमें लास्ट स्क्रीन पे प्रेस करना है। लास्ट स्क्रीन पे प्रेस करते ही यहाँ हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है एवरीवन, दूसरा है माई कॉन्टैक्ट और तीसरा है नोबडी। अगर आप एवरीवन पे प्रेस करते हैं तो आप ऑनलाइन रहेंगे तो सबको पता चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं, और आप माई कॉन्टैक्ट पे प्रेस करते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी नंबर सेव होगा उन्हीं को पता चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं, और नोबडी प्रेस करते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं। तो आपको नोबडी पे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप कितना भी देर ऑनलाइन रहिएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आगे आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नई एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।